भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के तत्वावधान में पूर्वांचल छात्र सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता तनुज पुनिया, डॉक्टर सुरीता करीम, दिनेश श्रीवास्तव, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष मनीष ओझा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने तथा जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उसके समाधान पर चर्चा की गई। अपने संबोधन में वक्ताओं ने देश के युवाओं से 2019 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। मनीष ओझा जी आएंगे और अपनी बातें। आज मैं इस मंच के प्रति विधान परिषद है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि युवा सम्राट श्री तनुज पुनिया जी उपस्थित है। इस कार्यक्रम के कारणाधार से एक कर्मा जो हमारे गोरखपुर को मिले हुए हैं, तो तुम पा जाओगे मेरे इस गांधीवादी में, नहीं तो तुम पा जाओगे मेरे इस गांधीवादी में, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारा हक नहीं कोई मेरे देश की आजादी में। इस समय इस देश में जो दौर चल रहा है उसमें निश्चित रूप से युवाओं के द्वारा जब जब इस देश में जरूरत पड़ी है परिवर्तन की, जब जब इस देश के विचारों के परिवर्तन की जरूरत पड़ी है, इस देश को आवश्यकता हुई है, तो ये भरोसा है मुझे। नौजवानों ने हमेशा इस देश को एक नई दिशा दिया है, नौजवानों ने इस देश की सोच बदली है। तो हमारे इस गोरखपुर की धरती पे अगर इस कार्यक्रम में तमाम नौजवान साथी जो हमेशा हमें बैठे हैं, इन्होंने भी जरूर अपने दिमाग में सोच बनाया होगा। हमें भरोसा और विश्वास है कि भाई नावेद जी जिस तरह बोल रहे थे, आज देश को जैसी जरूरत है, जिन विचारधाराओं की जरूरत है, जिस सोच की जरूरत है, उस सोच के साथ हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो कार्य कर रही है, वही नहीं एक पार्टी की सोच के तहत नहीं, एक देश में जिस जरूरत है एक सोच की, उस सोच में जोड़ते हुए तमाम साथी जो हमारे सामने बैठे हैं, एक एक करके जो संख्या बढ़ेगी आने वाले समय में इस गोरखपुर से परिवर्तन का दौर शुरू होगा। और हमें भरोसा और विश्वास है आप सभी से, तमाम नौजवान साथियों से भरोसा है कि आने वाले दिन में गोरखपुर से इस दौर की शुरुआत हो रही है, तो यहीं से शुरुआत होगी और ये पहुंचा है कि दिल्ली तक ऐसा परिवर्तन होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मुझे भी एक शेर आ गया। पूर्वांचल छात्र संगठन नाम पड़ा पूर्वांचल छात्र सम्मेलन, जिसमें आप लोग अपनी भागीदारी निभाए, भागीदारी दिए, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह एक बात बताना चाहता हूँ, यह एकमात्र इकलौता संगठन है जिसने आपको प्रतिनिधित्व करना सिखाया, नेतृत्व करना सिखाया, बाकी जितने भी संगठन है सब विवादों के कारण चलाए जाते हैं। मेरे भाइयों, ये सत्ता पक्ष जिसकी बातें हो रही थी, ये सत्ता पक्ष क्या होता है, हमारे स्थायी पैनल क्या कर सकती है, अगर लेकिन हम लोग आपके लिए अगर आप अपना अनुभव दिए तो विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ, अनुभव देंगे तो मैं अपना खून बहाने को तैयार हूँ। लघु बहाने में नहीं पीछे हटेंगे, बस आपके अनुभव की जरूरत है। जब तक आपका अनुभव नहीं आएगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक है। यहाँ सभा में जितने लोग हैं, हमारे श्रेष्ठ जन सभी आप हमारे मार्गदर्शक है।